2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच रिलायंस एम्पायर की ओनरशिप को लेकर बहसबाजी होने लगी थी। दोनों ही अपने तरीके से रिलायंस को चलाना चाहते थे। धीरे धीरे जब ये बात पब्लिक में भी आने लगी तो इसी लड़ाई को रोकने के लिए फिर उनकी मदर कोकिला बेन अंबानी को रिलायंस का दोनों के बीच बंटवारा करना पड़ा, जिसमें अनिल अंबानी को मिले टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस, और मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईपीसीएल। हालांकि अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशंस बंटवारे में मिला था, लेकिन वो मुकेश अंबानी ही थे जिन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशंस को शुरू किया था। उन्होंने ही रिलायंस कम्युनिकेशंस के लॉन्च के समय काफी फोन्स फ्री में बांटे थे और इंडिया में चीपर कॉल रेट्स इंट्रोड्यूस करी थी, और फिर उन्हीं के चक्कर में बाकी कॉम्पिटिटर्स को भी गेम में रहने के लिए अपनी कॉल रेट्स घटानी पड़ी। उस समय अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी नहीं हुआ करते थे, फिर भी बंटवारे में अनिल अंबानी को वो कंपनी सौंप दी गई। और मुकेश अंबानी और एक टेलीकॉम कंपनी ना शुरू कर दें, इसलिए बंटवारे के वक्त उनके एग्रीमेंट में एक नॉन कम्पीट क्लॉज भी डाला गया। बट 2010 में जैसे ही उनका नॉन कम्पीट एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ, मुकेश अंबानी ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड में 96% ओनरशिप खरीद ली। इन्फोटेल ब्रॉडबैंड उस समय इंडिया के सभी सेक्टर्स में 4G स्पेक्ट्रम जीत चुकी थी। मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को खरीद के इसे एक नया नाम दिया, जियो। 2010 में जब इंडिया में 3G भी ढंग से नहीं आया था, तब से मुकेश अंबानी अपना 4G नेटवर्क बनाने में लगे पड़े थे। यहाँ बात सिर्फ पर्सनल दुश्मनी की नहीं है, यहाँ बात है मुकेश अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस की। मुकेश अंबानी को एक बात डेफिनेटली पता है कि जो मार्केट में एग्जिस्टिंग नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं ना, वो ज्यादा खास नहीं है, और वो खुद इस काबिल हैं कि उनसे कम्पीट कर पाए। टेलीकॉम एक बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है और मुकेश अंबानी इस बिजनेस के पक्के खिलाड़ी रह चुके थे। टेलीकॉम कंपनीज ऑन एन एवरेज हर यूजर से 150 रुपए पर मंथ अर्न करती है, बट स्टिल जियो ऑन एन एवरेज इन सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली है, जस्ट बिकॉज वो अपने टैरिफ प्लान्स की प्राइसिंग और सर्विसेज सबसे अलग लेके चल रही है। जियो ऑल ओवर इंडिया में अनलिमिटेड फ्री कॉल्स, डबल डेटा और नाइट अनलिमिटेड करके ऑन एन एवरेज हर कस्टमर से 250 रुपए कमाएंगे। यही रीजन है कि वो अभी से लोगों को अनलिमिटेड डेटा दे के उन्हें सबकॉन्शियसली भी प्रिपेयर कर रहे हैं आगे ज्यादा स्पेंड करने के लिए, और साथ ही साथ डे बाय डे अपने नेटवर्क की कमियों को भी दूर करने में लगे पड़े हैं, ताकि दिसंबर के बाद पेइंग कस्टमर कोई प्रॉब्लम ना फेस करे। जियो ने अपने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं। अगर हम एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को कंबाइन भी कर देना तो भी ये उनसे 2 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैठती है। ओवरऑल इंडिया को ऐसी कंपनीज की जरूरत है जो इतने तगड़े मूव्स उठाए और इंडिया में इन्वेस्ट करे, और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मुकेश अंबानी के अलावा इस प्रोजेक्ट को शायद कोई और संभाल भी पाता। इट इज अ विन विन सिचुएशन जहां लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर्स और कंपनी दोनों को फायदा होगा।